500 लगा दूंगी, 50 का दे दूंगी। तो हमें देखिए इतने सारे गिफ्ट भेजे हुए हैं हस्बैंड के लिए, शिव के लिए, देव के लिए, मेरे लिए, बहुत सारी बॉकर भी उन्होंने भेजी हुई है और ये कैप भी उन्होंने भेजी हुई है। तो चलिए हम आगे बताते हैं और ये छोटा सा मंकी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल आप सभी को, मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत 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 सारा प्यार। तो आज मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे किसी ने ना बहुत सारे गिफ्ट भेजे हैं सच में। तो आज की वीडियो मैंने कहा चलो बता दूं, और वो गिफ्ट दिवाली गिफ्ट है। और भी आप लोग हमसे इतना सारा प्यार करते हैं, कल की वीडियो में इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट किए, हमें विश किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये जान के मुझे खुशी हो रही थी कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को खुशी हो रही, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ये पता चलता है कि सच में आप लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे अभी मैंने कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी, पर चालू जरूर कर दी थी। मैं इनको बोल रही थी आप अंदर जाके लेट जाओ, तो कोई ना, वो बोल रहे थे नहीं आरती मैं नहीं लेटूंगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली उनको ना मैं बता दूं कि जैसे घबराहट टाइप की होती है, बेचैनी होती है, तो उनको एक जगह बैठे और लेटे नहीं जाता है। कोई ना, जब कभी इंसान बीमार रहता है तो ऐसा होता है, और मुझे तो अपना काम चालू रखना है ऑन टाइम। और जो गिफ्ट हमें भेजे गए हैं ना वो सच में इतने अच्छे अच्छे हैं, बाकी तो आप लोग खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। सो यहाँ पर शिव रोने लगा था। एक्चुअली शिव को बहुत अच्छे से पता है कि मम्मी मुझे गोदी लेगी तो मैं अपने आप शांत हो जाऊँगा। तो देखो जब मैं उसको गोदी ली तो वो शांत हो गया, पर देखो गोदी लिए लिए भी मुझसे काम होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं कूलर साफ कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ इस पर ना मच्छर पनप गए थे। आप लोगों की क्लीनिंग हो गई कि नहीं हो गई, या चल रही है कि नहीं, एक्चुअली इन सब के लिए ना बहुत 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 समय निकालना होता है। और मेरा तो ये है कि मुझे अपना वीडियो भी डालना होता है। तो यहाँ पे मैं ना धीरे धीरे करके अपना पानी निकाल रही थी। कुछ पार्ट मैंने वीडियो के कट कर दिए, अगर सब कुछ डालूंगी ना तो वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और आज ही के दिन मुझे इतना सब करके शॉपिंग करने भी जाना था, मतलब शॉपिंग करने तो नहीं जाना था। और इस दिवाली मेरे ख्याल से जब से ट्रांसप्लांट हुआ है तब से मैंने इतना कुछ है जो कि ख़रीदा है, और आज भी वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। और देखिए जो तीज त्यौहार होते हैं ना वो बच्चों के लिए ही होते हैं, है ना। और आप सभी को धनतेरस की भी बहुत बहुत बधाई हो। कल मेरा ब्लॉग लेट गया था और मैं बता रही हूँ कि बोलना भूल गई थी, और मैं आप लोगों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस भी कह रही हूँ। सो यहाँ पे पता है जो भी ग्रास है ना, ये तो एक तो ख़राब हो गई है, ऊपर से इसमें मच्छर बैठ रहे थे, तो मैंने कहा इसको हम अलग ही कर दें तो ही ठीक रहेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं करूँगी, पर मैंने कहा चलो कर देती हूँ। और इस टाइम देखो इसमें कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, और ये सब काम भी चला था नहीं, देखो ये पूरी गल चुकी थी, तो कोई मतलब नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ पे इसको साफ करके मैं इसको बांध के रख दूंगी। और वैसे तो मैं बताऊँ कि अभी ना मौसम एकदम से चेंज भी हुआ है, तो ना मेरे हस्बैंड को क्या हुआ था कल अचानक सडनली वो एकदम जोर से चिल्लाने, उनके ना दोनों पैर अकड़ गए थे, जैसे वो जांघों की नस होती है ना अकड़ जाती है। कभी कभी आपके साथ भी होगा, मतलब कि उनको इतना बेकार लग रहा था, मैं तो बिल्कुल से घबरा गई थी। पर ये उनको अक्सर ठंड में होता ही होता है। और यहाँ फिर मैंने उनको कहा था कि आप थोड़ा सा चलने की कोशिश करो, तो बोला था आरती में थोड़ा सा अगर मुझे हिम्मत होगी तो मैं नीचे बैठूंगा, नहीं तो योगा करूंगा। मैंने कहा ठीक, क्योंकि ना उनकी नस एकदम से अकड़ना मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पर होता है उनके साथ होता है। और ठंड आ गई है ना तो उनको अब ज़्यादा असर करेगा। तो उनके लिए तो आपको हमने पता है कि बेड ले आए हम, तो उनको वो अंदर रहेंगे, हम लोग बाहर रहेंगे। और अच्छा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये रहेगा ना कि मैंने कोई गलती नहीं की, तो ये चीज़ अब मैं डॉक्टर से भी कह दूंगी, डॉक्टर सर अब तो मैंने इनको अलग रूम में ही रखा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से कूलर को साफ कर लिया है, और फिर कहीं ना कहीं मुझे गलतियाँ अपनी समझ में आती हैं। और अच्छा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बेड अभी हमारा बिछा नहीं है, वो आज या कल को बिछेगा, अभी ये भी मुझे कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि जो भैया लोग आने वाले हैं वो तो वही जो जहाँ से हमने ख़रीदा था ना उन्हीं को मैंने बोल दिया था भैया आके हमारे लगा जाना, क्योंकि हमारे कोई लगाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कूलर को साफ करके, और ये देखो ये ढक दिया पूरा, मैंने जो इसका खस था वो निकाल दिया। अब जो ये शॉल है ना, ये शॉल क्या है कि ओढ़ती नहीं हूँ मैं,
और तो मैं इसको सॉल्व से ढक दूंगी ताकि जो डस्ट है वो जाएगी नहीं, है ना। और चीज़ों को अच्छे से रखना तरीका ये सब ना मुझे अच्छा लगता है करना। और मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बता दूं कि लाइफ में देखिए बहुत सी प्रॉब्लम आती है, ये आपको भी पता है हमें भी पता है, पर कहना चाहिए कि मैं ना इतनी हिम्मत ना मुझ में नहीं आती है सच में। पर मैं सोचती हूँ यार कि मैं कल को सोच के अपना आज क्यों ख़राब कर रही हूँ, इसलिए जो है जैसा है चलने दो। बस हाँ, अगर हमें जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, जो हमारे साथ परिस्थितियाँ आ रही हैं, हमें उनका खुल के सामना करना, इतना हमें करना है। और ठीक है, जब देखिए कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, जब मैं सब्र रखूँगी तभी तो उसका फल मुझे मीठा मिलेगा। अगर मैं एकदम से बड़बड़ा जाऊँगी तो मैं खुद ही अपनी पता नहीं किस जंजाल में फंस जाऊँगी। सो अच्छा, मैं आप लोगों से सीधे नहा धोकर मिल रही हूँ। नहा धोकर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बना दी थी मूंग दाल की खिचड़ी, टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए। 3 बजे, सच में 3 बजे हैं और ये 2 बार सो के उठ चुका है। मैं सोची फिर से सोएगा, पर अभी 2 बार सो के उठ चुका, अब कैसे सोएगा। सो अभी इसको मैं कुछ खिला दूँ, फिर तो नहीं कराऊँगी, खिला दूँ क्योंकि बाल गीले हैं और देखो बाल भी गीले हैं। बाल मैं सोच रही धूप में बैठ जाऊँ पर ये बैठने नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा चलो उसको खिलाते खिलाते और करेंगे। आज मैंने भगवान जी की भी पूजा नहीं की, वैसे भगवान जी की मजनी करना है, तो मैंने कहा चलो शाम को कर देंगे क्योंकि 2 बजे के बाद कौन पूजा करता है। चलो शंकर जी की चल जाती है पर भगवान जी की कहाँ होगी, है ना। हम अपने जैसे थोड़ी बना लेंगे कि हम 3 बजे नहा रहे थे, भगवान जी को भी 3 बजे नहलाएंगे इसलिए। तो अभी मैं खाना पीना तो बना दिया था, आपको बताया था मैंने खिचड़ी बनाई थी, अब गरम गरम हम खिचड़ी खाएंगे, थोड़े से बाल सुखा लें और इसको खिला दें और इसकी मालिश वगैरह करके इसको सुला दिए। मुंह बंद करो। पर उसके बाद पता है, अच्छा मुझे कुछ कुछ खरीदारी करने जानी है, मतलब वो खरीदारी एक्चुअली जो आप लोगों ने देखा था ना, वो जो आंटी जी हैं विदेश वाली आंटी जी, उन्होंने ना हमें दिवाली गिफ्ट दिया है। मतलब देखिए उतनी दूर से तो कुछ सामान आ नहीं सकता, तो उन्होंने बाबू के लिए मतलब मेरी पूरी फैमिली के लिए दिए हैं, कुछ पैसे दिए हैं कि बोले आप अपने लिए कुछ कुछ खरीदिएगा बेटा, हमें अच्छा लगेगा। तो देखूंगी देव को क्या आता है पसंद, और इसके लिए स्पेशल उन्होंने बोला है कि आप ऐसे लिए रहते हो तो इसके लिए ना एक वॉकर ले लेना पड़ता है। और मैं आप लोगों से यही कह रही थी, मेरे बाल बिखरे हैं आप उसको इग्नोर करिएगा, आप लोगों से यही कह रही थी कि मुझे वहाँ जाना है वॉकर लेने, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि आप इसको वॉकर देखिएगा। तो ऑनलाइन मैंने देखा उनसे, तो उन्होंने ऑनलाइन भी बोला था, पर ऑनलाइन ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि महंगा मिलेगा, तो मैं जा रही हूँ ऑफलाइन देखूंगी यही मार्केट में। और दिवाली की भी खरीदारी हो जाएगी, जैसे दिया लक्ष्मी जी भी चीज़ें लाना, और मुझे भी बोला कि आप भी बेटा कुछ खरीद लेना, तो अपने बच्चों को तो खरीद देंगे क्योंकि कहते हैं जो दिवाली दशहरा ये सब होती है ना, हमसे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों को होती है, और उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है जो उन्होंने हमें पैसे दिए थे। और वैसे तो बोल रहे थे कोरियर के लिए, पर ठीक है कोई बात नहीं, है ना। चलिए हम आगे मिलते हैं, और बोले पैसे लिए सबके लिए जो जो खरीदा हम बताना जरूर, तो मैं इस ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था खाने, और उसको मैंने सुला भी दिया है। और आज सुबह से ना बिना कुछ खाए पिए लगी रही, सच में कुछ भी नहीं खाई, क्योंकि खा लो ना तो फिर ऐसा नींद नींद टाइप का लगता है। तो नाश्ता तो मैं बनाती हूँ मेरे हस्बैंड के इससे, क्योंकि उस आपको पता है उनका मेडिसिन, जो उस मेडिसिन खाते हैं, खाना ही खाना उनका, और खाली पेट नहीं खाते क्योंकि थोड़ी सी वो MG वाली रहती है ना। तो अभी ये खिचड़ी हम खाएंगे, थोड़ी बहुत गर्म भी चावल जैसी बन गई, और अब मुझे ये चिल्लाने वाले हैं इसी वजह से। अब हम कर देते हैं यहाँ पे पापड़ को फ्राई मैं नहीं खाती, मुझे अच्छा नहीं लगता फ्राई वाला। मैंने ये करवा चौथ में मंगवाया था ये पापड़, सो देव को भी पसंद है, तो एक देव के लिए और एक मैं अपने लिए बस। अच्छा ये देखो हमारे जबलपुर का मार्केट है, सीधे खा पी के फिर मैं निकल गई थी, और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें नहीं खरीदी थी, बट हाँ ये है कि आप लोगों को मैं दिखाना चाहती थी। अगर आप हमारे जबलपुर से होंगे तो कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ की जगह है। एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए आप लोग बताइएगा ये कौन सी जगह है। ये ना यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, मुझे जितना देख खरीदने में अच्छा नहीं लगता उतना अच्छा मुझे मार्केट देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें थी, कुछ लोग तो बोल रहे थे वीडियो बन रहा है चलो अच्छे से शॉप में खड़े हो जाओ, ऐसे मतलब बोल रहे थे वहाँ के लोग। ये देखो ये भैया ही बोल रहे थे कपड़े, और इसके बाद देखते हैं हम क्या क्या लेते। भैया
इस बच्चे के लिए मिल जाएंगे कपड़े, इनर चाहिए है, सेट भी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, बॉडी मूवर नहीं इनर बस। और अंदर की इनर जैसे ये पहना है, बिना बटन वाला नहीं है, गोल वाला, बिना बटन का नहीं है। चलो हम और देख लें फिर इसके कलर आएगा, इसके पैटर्न। टोपा मोजे सब अटैच, टोपा मोजे सब अच्छे अटैच, हाँ सभी आएंगे। और इसमें ब्लू वगैरह, हाँ ब्लू वगैरह कलर देख लेंगे अब जो भी होगा। अच्छा अच्छा, कपिल इसके तीन चेक हैं, इसमें कलर बताइए, क्या प्राइस बताया आपने इसका? 520 का है, फिक्स लेस हो जाएगा बगैर बोले तो। जिसमें जो रहेगा सेट मैडम दिखा दीजिए, नहीं उसमें सेट नहीं है ना, जिसमें जो आएंगे वो, इसमें आएंगे नहीं है, वो अटैच रहते हैं ना, इनमें निकलने वाले नहीं रहते, वो सिलाई रहती है, नहीं है ना फिर बार बार। इनर दिखा दीजिए, इनर मतलब अंदर की, हाँ इसी टाइप की बनियान, नहीं वैसी नहीं है, काट फूल की है ना, दिखाइए जरा। तो अभी हम दो बनियान लेंगे और उसके बाद फिर हम देव के लिए खिलौने लेंगे। दीदी को हैरम दिखा दें, हाँ हैरम में लूंगा। और ब्लॉग बनाना बहुत 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 टफ हो रहा है आज का, फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से यहाँ से निकलने के बाद। अच्छा कभी भी मैंने आप लोगों से जो है कि खरीदारी मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर कहीं अभी आप लोग ये भी बोलेंगे कि आरती आपको ऐसी हर जगह मोलभाव नहीं करना चाहिए, मेरी आदत में ही है, मैंने काफ़ी औरतों की मैं आदत रहती, अगर हमें कहीं 15 रुपए की चीज़ मिल रही तो उसमें हम 5 रुपए ज़रूर कम करते और ऐसी ही गृहस्थी चलाई जाती, कहते हैं ना एक एक रुपए एक एक पाई जोड़ के। और कोई भी दुकानदारों में देखिए जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इनसे कम करवाना चाहिए तो मैं कम करवाती हूँ, जहाँ नहीं लगता है वहाँ मैं नहीं करवाती हूँ। तो वैसे ना हर जो दुकान वाले रहते हैं वो 5-10 रुपए हमें एक्स्ट्रा बताते हैं, और अगर हम बोलते हैं ना तो वो कम भी करते हैं। और देखिए मैं ये समझती हूँ कि 1 रुपए हम जोड़ेंगे तब तो जाके हमारा 100 रुपए बनेगा, 100 रुपए जोड़ेंगे तब जाके हमारा 1000 रुपए बनेगा, है ना। तो इसलिए वजह से मेरी ये कंजूसी रहती है। और आज की वीडियो में आप इतना सही, मैंने कहीं भी सामान खरीदा है तो मैंने कम किया है। और यहाँ पे सारे ना मैं शिप के लिए एक्चुअली सॉक्स खरीद रही हूँ। अच्छा मैं ये बता दूँ ये मुझे गिफ्ट के लिए पैसे आए थे, और दिवाली गिफ्ट के लिए एक्चुअली जो विदेश वाली आंटी जी है ना उन्होंने बोला था आपकी फैमिली के लिए हम दिवाली गिफ्ट भेज रहे हैं, बट ऑनलाइन मतलब कि बहुत दूर हो जाता है, और पता उन्होंने बोला कि आप अपनी मनपसंद से लेना, और क्या आपने लिया है क्या नहीं लिया है हमें अच्छा लगेगा दिवाली गिफ्ट। तो हम चारों जन के लिए ही उन्होंने भेजा, मतलब मेरे पूरे परिवार के लिए। तो शिप के लिए मैंने यहाँ पर सॉक्स शूज़ ये वाले ले लिए थे, 100 रुपये के मुझे 4 सॉक्स मिल गए थे। और यहाँ पे शिप के लिए मैंने एक टोपा लिया था और एक जैकेट ली थी, मतलब ऊपर नीचे का, क्योंकि वो बेचारा अभी ना देव के कपड़े पहन रहा है। ये भी देखो ये भी स्वेटर ना शिप की बड़ी है, क्योंकि देव के छोटे वाले कपड़े हैं ही नहीं, मैंने किसी किसी को ना दे दिए थे उस समय भी जिनको ज़रूरत थी। तो मुझे तो मेरा प्लानिंग तो था नहीं कि मुझे सेकेंड बेबी करना है, पर कोई ना अब तो हो गया है तो फिर इसलिए देव के कपड़े नहीं थे तो मुझे उसके लिए नए लेने पड़े। अभी ये देखिए यहाँ पे ना इतनी सारी लक्ष्मी जी गणेश जी, ये मार्केट अलग से था। और हम ना शाम को निकले थे और शाम को करीब 5:30-6 बजे ही ना काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं ना इन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और हमें सबको करना चाहिए। देखिए जो बड़ी दुकानें रहती उनके पास कहीं ना कहीं से तो उनकी दिवाली मनेगी, पर इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। तो हो सके तो आप भी ऐसे लोगों से ही ज़रूर लीजिएगा दिए वगैरह बड़ी शॉपों को वो करके, मैं यही कहना चाहूँगी। क्योंकि देखिए हर कोई मेहनत करता है और देखिए हर कोई चाहता है कि हमारी दिवाली बहुत अच्छी से हो। तो मैंने यहाँ पे 30 दिए लिए थे और यहाँ पे मैं बड़ा भी देख रही थी, कुछ डिज़ाइन वाले भी देख रही थी। Yeah।
वैसे इतने छोटे छोटे बच्चों को देख के मुझे बहुत वो लग रहा था, और मैं इस गुड़िया से कुछ कुछ बातें कर रही थी तो वो शर्मा भी रही थी। और फिर मैंने ना दो तीन जो और भी बच्चे ना उनको भी मैंने फटाके दिला दिए थे। और मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाहती, पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब मैं मदद कर सकती हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कीजिए अपने आस पास। हेलो बोलो, पहले हेलो, ओ बढ़िया, हेलो बोलो, ऐसे हाथ हिला के बोलो ना। तो यहाँ पे एक बच्ची आ गई थी, बोले दीदी खिलौने दिला दो। मैंने कहा ठीक है, है ना, हर किसी को लगता है यार कि हम भी दीपावली मनाएं। फिर मैंने वो बच्ची को खिलौने दिला दिए। तो और आप भी हो सके ना तो ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करिए, मतलब जिनके पास बड़ी दुकानें ना हो, है ना, छोटे मोटे हों, उनको ज़्यादा सपोर्ट करिएगा तो अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैंने वहीं से दिया लिया था। और मैं बता दूँ, ऐसा नहीं कि हमारे वहाँ भी मार्केट नहीं था, मार्केट था, पर मैं ऐसी ही चीज़ें देख रही थी। अगर मैं कहीं से चीज़ें खरीदूँ तो मैं अपने उससे किसी की मदद कर सकूँ। और फिर जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, मैंने उनसे रुई खरीदी थी, फिर उनको भी मैंने एक दो फटाके यहाँ से दिला दिए थे। वो कह रहे थे दीदी हमें भी फटाके दिला दो, सो मैंने यहाँ से दिला दिए थे। और मुझे ये सब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, सच में रियल में करना बहुत अच्छा लगता है। और आपको अच्छा लगा आज का ब्लॉग कि नहीं लगा, कमेंट करके बताइएगा। सो मैंने यहाँ से ना, फिर मैंने कहा कि अब चलो दीपावली तो आई रही, एक दिन रह गया है, सो मैंने यहाँ से लक्ष्मी जी और गणेश जी लिए थे। ये देखिए, वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर थे, मन लग रहा था सारे ले लूँ, पर मैंने कहा चलो एक ही जोड़ी ले लेते हैं। तो फिर मैंने ये वाले लिए थे और ये भी बहुत अच्छे थे। ये देखो, शिप को लगी थी बहुत जोर की धूप, तो हम यहाँ पे रुक गए और उसको फिर फीड वगैरह कराया और यहाँ पे अभी बैठे हैं। चलें चलें घर चलें। हमें लग गई है जोरों की भूख, अभी हम यहाँ खाएंगे पानी पूरी और उसके बाद जाएंगे फिर हम घर। ऐसे मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं था, पर थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। और देखिए, अगर हम कहीं पे बैठे हैं तो हर किसी को लगता है ना कि ऐसे कोई कैसे बैठा है। तो मैंने कहा चलो हम 10 रुपए की फुल्की खा लेते हैं। मुझे, मैं देखो तो इतने सालों से फुल्की नहीं खाई, मुझे लगा कि 10 रुपए की आ जाएगी, पर उन्होंने बोला नहीं, 20 रुपए की, क्योंकि ये दही वाली फुल्की थी। सो मैंने यहीं पर बैठ के खाई, वो भी इतनी सारी थी, 3 खाई हूँ। और शिव रोने लगा था, उसको पहले फीड करा दिया था, फिर उसके बाद खाने के बाद फिर उसको फीड कराया। और आप मेरा रिएक्शन देख सकते हैं, अभी मैं वीडियो देख रही थी, मुझे खुद को हंसी आ रही है। प्लेट फुल्की, और अब हम जाएंगे घर और आप लोगों से सीधे घर जाकर मिलते हैं। अभी हमारा आगे ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, पर यहाँ से एंड होता है। चलिए अभी हम साथ ही ले लेते हैं अपना ट्राइपॉड। कितने का है भैया? कम नहीं करेंगे आप इसको? बाजार में आप 4-4.5। तो मेरा ट्राइपॉड भी टूट चुका था, सो मैंने ट्राईपॉड भी ले लिया और मुझे वो 320 रुपीज का मिला। देखो, वो पहले बोल रहे थे ना 400 का, 400 में बोल बोल के वो 350 में आए, 350 बोल बोल के वो 320 में आए, 320 में मैंने ले लिया ना, तो ये होता है। और कौन कौन पैसे कम करवाता है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, यहाँ पे हम ना देख रहे थे वॉकर, एक्चुअली जो आंटी जी है ना, उन्होंने बोला था आप स्पेशल शिप को, अच्छा मैं क्या है शिप को गोदी लिए लिए खाना बना रही हूँ, कहीं कुछ कर रही हूँ। तो एक्चुअली वो मेरे ब्लॉग ना डेली ब्लॉग देखती हैं, तो उन्होंने कहा था आप शिप के लिए स्पेशल से ये वॉकर लीजिएगा। और तो फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे वॉकर देखे थे, यहाँ पे आ गई थी। और देव को भी मैंने टॉयस वगैरह दिलाए थे और इनके लिए भी लिया था। और मैंने क्या लिया था वो आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा इनके लिए क्या लिया था। तो अभी यहाँ पर हम वॉकर डिसाइड कर रहे थे कि हम कौन सा लें, वैसे तो सारे ही अच्छे थे। तो ऐसे ही मैं शिप को लेके खाना पीना बनाती हूँ, कुछ भी करती, तो उन्होंने बोला कि आप इसमें वॉकर में बैठा दोगे ना, जैसे अब शिप हो गया है 6 महीने का, बैठने लगा है, बैठने के बाद बच्चा क्या है अब चलना सीखता है,
तो वो अपने आप से तो चलता है पर उसको थोड़े बहुत सहारे की ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे लेटा देते हो तो इससे अच्छा आप इसको ऐसे बैठा लोगे ना तो आपको भी आसानी होगी और बच्चा है उसको तो पता नहीं तो उसको भी आसानी होगी। और थैंक यू आंटी जी, एक्चुअली माँ जी, आपने बहुत बहुत अच्छे गिफ्ट हमारे लिए अच्छा सोचा। और ये देखो मैं देव को बोल रही थी आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको जो लेना है आप वो देख लो। और शायद वो आज का ब्लॉग मेरा देखेंगी क्या, वो डेली का देखती हैं आज का, क्या डेली का देखती हैं। और उन्होंने कहा था कि हमें अच्छा लगता है आपका ब्लॉग देखना और आप लोग इतना हमें प्यार करते हैं, इतने भर भर के कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और एक वीडियो के माध्यम से आप मुझे इतनी अच्छे तरीके से जानने लगे हैं। जिस दिन मेरा ब्लॉग नहीं जाता है या लेट हो जाता है, आप लोग की पुरानी वीडियोस में कमेंट आते हैं, आरती सब ठीक है, आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया, तो इतना मुझे अपनापन लगता है कि बहुत। यहाँ पे फिर मैं पियानो वगैरह भी मैंने देव के लिए देखा था और मैं बोल रही थी आप ना उनसे पूछिए उसको क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं अपनी मनपसंद के दिलाऊंगी, बच्चा खेला नहीं खेला, इसलिए फिर मैं पूछ के ले रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मुझे पता था कि देव को सब देख तो सब खिलौने लेगा पर उसको इतनी वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी। सो उसको ना बाद में एक मैजिक स्लेट पसंद आई थी और एक आई थी गन, जो कि मैं आप लोगों को घर चल के बताऊंगी। वॉकर भी मैंने ले ली थी, वो भी मैं आपको घर चल के बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे तो बता नहीं सकती हूँ। ऑलरेडी मेरा हाथ बहुत दुखने लगा था क्योंकि शिप को ऐसे गोदी ली हुई थी और शिप को देखो मैंने एक दुकान में बैठ के कुछ खिला पिला दिया था तो उसको अब राहत है, वरना वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था। सो चलिए अब सीधे हम आप लोगों से घर चलते हैं और घर जाके हम मिलते हैं। ये देखो इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे टॉफी मिल गई। एक्चुअली कुछ चीज़ें किसी को खाते हुए देखता है ना तो ये अक्सर ऐसे मुंह बनाता है, ये देखो कि मुझे भी खाने को चाहिए है। और काम करते करते ही घर से बस निकल गई थी, सुकोम जैसे तैसे बस चली गई थी और मैं चिल्लाओ उसको। तो अभी चलिए मैं आगे आप लोगों से मिलती हूँ, कपड़े चेंज करके खाना पीना बना दूँ उसके बाद, या फिर है ना पूछती हूँ और क्या बनाना है। चलिए आप बने रहिएगा और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और आप लोग के मन में भी ये सवाल होगा और ये सब चीज़ें ना हमें किसने भेजा है वो मैं आगे बताऊँगी आप लोगों से, बने रहिएगा। बोलो क्या से भेजा है। हेलो एवरीवन, तो देखिए इतने सारे हमें गिफ्ट आए हैं और किसने हमें भेजे हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा। बोलो हेलो। और इस साइड थोड़ा सा किसको आप नहीं दिख रहे, और ये भी यहीं पे बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीजें, ये देखिए वॉकर है, कपड़े हैं और भी खिलौने हैं और क्या है देव, बम। बताओ गाइस से, बताओ ये। तो ये सारी वॉकर हमें किसी ने भेजा हुआ है और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि उन्होंने ना हमें पैसे भेजे हुए थे कि आपको बच्चों के लिए, इनके लिए, खुद के लिए शॉपिंग करनी है। और जो मैंने आप लोग को बताया था ना, वो जो न्यूजीलैंड वाले आंटी जी हैं उन्हीं ने एक्चुअली छोटा सा दिवाली गिफ्ट मैं आप लोग से बताते हुए गई थी कि मैं वॉकर लेने जाऊंगी। सो ये वॉकर आई हुई है, हम शिप को बैठा के देखते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं शिप का, ये सामने ही है, आप नीचे बैठ जाओ। अब अपनी बम दिखा दो गाइस, बम देखो गाइस, बम देखो कैसे खोल के दिखाओ ना कौन कौन से बम है, कैसा लगा है पापा से पूछो। हाँ पकड़ो आप बॉक्स, नहीं पन्नी फटी है, पन्नी फटी है, उसको घुसते ही नहीं अंदर, उसको देखो कितनी हंसी आ रही है। अरे कॉपीराइट आ जाएगा ऐसे में, छोड़ दो अब बैठ जाओ, अपने बम दिखा दो। तो ये देखो हमारा शिप बैठ गया है और उसको बहुत 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 अच्छा लग रहा है, आप उसकी स्माइल देख के समझ गए होंगे। पहले से पूछो आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा, और बैठ भी गया ना, तो ये अच्छा है, इस तरीके से उसको बैठा लेंगे और हम बना लेंगे खाना।
अच्छे से बैठ गया और आपको बहुत बहुत थैंक यू है ना। और देखिए बम आए हुए हैं, ये देखो बम, और ये भी देव की गन है, बबल वाली गन है। एक्चुअली उन्होंने बोला था देव के लिए भी टॉयज लेना, सो उसने जो भी चीज, हाँ मैं खोल तो लू, ओपन तो कर लू। आपको कैसी लगी बताओ, अच्छी वहां पे बताओ। थैंक यू। एक्चुअली खुल नहीं रही, हम आपको सब कुछ, वाओ ये सेल वाली ही लगता है। आपकी चॉइस कैसी है देव, कहाँ कहाँ से देखते हो मुझे नहीं पता। कैसी सकती है ये बबल है, दिखाओ। ऐसे इसका रिव्यू देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या चीज है, अभी अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन वो भी बता देना, स्लेट भी आपके लिए लेकर आए हैं, शिप की तो अलग मस्ती थी। अभी अभी रिव्यू देखेंगे ना अपन, अभी तो सबको बता दो गाइस को। और आपने क्या लेकर आए हो, एक्चुअली ये ना उन्होंने भी खोल के नहीं दिखाया, और ये देव लेकर आया है मैजिक स्लेट। ये है। हाँ लिख लो लिख लो, इसके साथ हमें पेन भी आया है ये देखो, ये एक मिनट लिख के बता देगा इसे। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है देव, ये मैजिक स्लेट है, उसको छुटाते कैसे, ऐसे नहीं, ये देखो आ गई ना देव उसे। हाँ अब करो ठीक है, वो भी खुश हो गया। और मैंने आपके लिए भी चीजें लाई, मैंने ऐसे लक्ष्मी और गणेश जी भी लेकर आई हूँ, वो अभी इसमें है, माले वगैरह भी लाई हूँ, कौन बार बार जाएगा इसलिए। आपको मजा आई, देव के कपड़े लाए हैं ना, रखे हुए हैं अंदर, रखे वो थैला अंदर रख दिए थे हमने। शिप को बहुत अच्छा लग रहा है और उसे देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे शिप के लिए भी कपड़े लिए हैं और देव के लिए भी लिए हैं, ये देखो ये शिप के लिए है, बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा लिया है, ये देखो पास से कैप वाला लिया है, बड़ा तो नहीं पड़ेगा छोटा, वैसे उन्होंने कहा रिटर्न कर लेंगे, एकदम ये सॉफ्ट है, ये देखो ये पैजाम ही है, इसको हम वापस से इसी में रख देते हैं, क्योंकि देव के शिप के पास नहीं थी वो ना, देव की जो भी स्वेटर थी वो पहन रहा था, अगर चलो ले लेते हैं। और मैंने देव के लिए टी शर्ट लेकर आई है, ये रेड कलर की, ये भी ऊनी में ही है, मतलब मोटी है, ऊनी नहीं है मोटी है जो होती है ना, ये भी बहुत प्यारी है, ये मैं ऑफलाइन लोकल मार्केट से ली हूँ, और ये रुई वगैरह भी लेकर आई थी, ये तो उस दिन काम आएंगे है ना। अच्छा अगेन मैं देखो ये शिप के लिए छोटा सा कैप वाला टोपा लेकर आई हूँ, अच्छा लग रहा है ना, क्यूट सा, इधर दिखाओ, ये देखो। और उसके लिए नहीं 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 और ये मैं लेकर आई हूँ, अच्छा मैं सब कुछ मैं सैनिटाइजर कर ली थी तो ही मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ, ये मैं शिप के लिए शूज लेकर आई हूँ, ये देखो क्यूट से। और ये शिप के लिए चार जोड़ी मोजे हैं जो कि मुझे 100 रुपीज में मिल गए थे, और दिया लेकर आई हूँ ये देखो, और एक ये मंकी लेकर आई हूँ वो भी शिप के लिए, ये लो कि आपके पास रहेगा। ये टूट जाए कुछ कुछ, अब
अब मत बजाना, उसको नहीं खेलना, मत खेलना, नीचे बैठ जाता हूँ। अच्छा मैंने इनके लिए दो टी शर्ट वो लेकर आई है, स्वेटर लेकर आई है। ये देखो ये स्वेटर है, आप लोग बताइएगा कैसी लगी, कैसी लगी तुमको, अच्छी लगी, तुम्हारे लिए है। यहाँ पे हेलो हाय तो कर दो, तुम तो दिख ही नहीं रहे हो। अच्छी है कि नहीं है, तो वहां से लेकर आई हूँ, सिविक सेंटर से, वहां पे कम प्राइस की मिलती है ना। और एक और लेकर आई हूँ, पर ना मुझसे गलती हुई, थोड़ा सा ही कलर वैसा है, पर ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये देखो कैसा लगा, अच्छा लग रहा। इतना सारा सामान लेके आए हैं हम, और जिन्होंने जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, है ना। चलिए साथ ही हम करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज अगर आप हमारा बिना सब्सक्राइब करे ब्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को दीपावली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की ओर से। अभी अभी रिव्यू देखना पड़ेगा, इधर आओ बैठो। हैप्पी दिवाली कर दो सबको गाइस, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। इस बार तो पता है आप लोगों को शिव की फर्स्ट दिवाली है, देव की फोर्थ दिवाली है ना। तो चलिए बाय बाय। शिव को भी बहुत पसंद आए गिफ्ट। सुनो, दोनों ऐसे नहीं लगा।